तो गाइज देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ट्वीट्स बनाने के लिए फेक अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फेक ट्वीट जनरेटर। तो इस तरीके से जब सर्च करोगे तो जो फर्स्ट वाली लिंक आएगी उसे ओपन कर लेना, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐप बना सकते हो, हम आज जो है बनाने वाले यहाँ पे चेन वाली। तो आप देखो हर तरीके के यहाँ पे आप बना सकते हो, सस्पेंशन वाली या सिर्फ ट्वीट वाली या रिप्लाई चेन वाली। तो आज हम रिप्लाई चेन वाली बनाने वाले हैं, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यार देखो, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप इसमें देख लेना कि मतलब किस तरीके से यूज़ करना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो यार देखो, सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है डिम रख लेना, अच्छा लगता है। या तो आप लाइट भी रख सकते हो, नहीं तो डार्क रख लेना। उसके बाद जो है आप फॉन्ट क्या रखना चाहते हो, इंटर रखना चाहते हो या सिस्टम का जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो रखना चाहते हो, ट्विटर का फॉन्ट रखना चाहते हो, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे इमोजीज कौन से रखना चाहते हो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट बंदा है जिसने कमेंट किया है उसका जो रिप्लाई दे रहे हैं वो यहाँ पे आप जो है डाल लें, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसका यूज़र नेम डाल दें, तो यूज़र नेम आपको पता ही होगा 15 डिजिट्स का होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो भी आप यहाँ पे डाल लें जो फर्स्ट बंदा था उसका, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप जब इसे डाल लोगे तो फिर यहाँ पे जो है उसके बाद आपको अपना जो ट्वीट है वो डालना होगा। तो जो भी यहाँ पे ट्वीट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ रैंडम। उसके बाद फिर यार आप जो है उसका रिप्लाई वाले जो है सेक्शंस में भरोगे। तो यार देखो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे रिप्लाई है वो आप ऐड करके और बढ़ा भी सकते हो। तो पहले फर्स्ट वाले को भर लेते हैं, फिर ऐड करेंगे दूसरे। तो हमने उसको भी रैंडम भी कोई नाम डाल दिया हमने। उसका जो है रिप्लाई का डेट भी हम डाल सकते हैं, उसके बाद यूज़र नेम भी आप डाल सकते हो। देखो उसका यूज़र नेम भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फेक रिप्लाई आप बना सकते हो। एंड तक वीडियो देखना है तभी आप जो है अच्छे से बना पाओगे। तो यार देखो, उसके बाद आप रिप्लाई की डेट भी चेंज कर सकते हो। देखो मतलब जो ट्वीट उसने डाली है उसकी डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे फिर हम उसका रिप्लाई भी और कर सकते हैं। ऐड ट्वीट पे क्लिक करोगे तो उसका आगे की चेन यहाँ पे बनती जाएगी, देख सकते हो उस तरीके से। उसके बाद देखो आप जो है यहाँ पे भी भर सकते हो। आप प्रोफाइल पिक लगाना चाहते हो तो प्रोफाइल पिक का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो यार यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक भी चूज़ कर सकते हो अपनी गैलरी में से। तो यार देखो, मैं रैंडमली कोई भी फ़ोटो कर लेता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद आप जो है उनको प्रोफाइल पिक पे लगा सकते हो फोटो को। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना, आपकी लग जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी आ गया। और फिर देखो यहाँ पे आप जो है अपना टॉगल बटन जो होता है बैच वो भी लगा सकते हो। और आप जो है कितने रिप्लाईज आए हैं, कितने रिट्वीट्स आए हैं, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप जो चाहे वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जितनी ट्वीट्स आपको रिप्लाई में चाहिए, जितनी आपकी रिट्वीट्स चाहिए, और जो है आप लाइक्स जितने मर्जी आप उतने यहाँ पे जो है डाल के अपनी फेक ट्वीट जो है जनरेट कर सकते हो। उसके बाद देखो आप जो है यहाँ पे जो आपका नीचे चेन वाले हैं उनकी भी आप चेंज कर सकते हो। देखो उनकी भी, अब पहले अपन डीपी चेंज करते हैं, उसके बाद से चेंज करते हैं उनकी लाइक्स रिट्वीट्स को। तो देखो ये डीपी मानो मैंने लगा दी। उसके बाद यहाँ से आप जो है रिप्लाइज को चेंज कर सकते हो, जो उसकी रिट्वीट्स हैं लाइक्स को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आप जो है रैंडमली भी कुछ भी सिलेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है रैंडम सेलेक्ट करने का, होता है तो रैंडम ये भर देंगे कुछ भी। तो यहाँ पे देखो इसको फिर डन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएट कर सकते थे। और अब जो है आप यहाँ पे उसका नाम, यूज़र नेम जो भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। उसका टेक्स्ट जो उसने रिप्लाई में दिया वो भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इस तरीके से आराम से कर सकते हो या कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रीव्यू इमेज पे क्लिक करोगे तो यार जो है आपकी इमेज की प्रीव्यू आने लगेगी कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो बना है वो। और इमोजीज भी देखो आप डाल के देख सकते हो, यहाँ पे इमोजीज भी यहाँ पे आपकी जो है आराम से बन जाएगी। ये देखो इमोजीज भी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद ये जो प्रीव्यू इमेज करोगे तो किस तरीके से आपको ये ट्वीट वाली चेन लगेगी ये आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। ये देखो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। उसके बाद ये डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके जैसे सेलेक्ट करके हम डाउनलोड करते हैं ना, वैसे डाउनलोड कर लेना। और फिर जब उसके बाद उसको ओपन करोगे तो देखो ये इस तरीके का ट्वीट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ट्वीट्स को कर सकते थे चेन वाली। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, कमेंट सेक्शन में बता देना कोई दिक्कत आए तो। और आप जो है इस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय गाइस। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये मेरी ऑफिशियल आईडी नहीं है ट्विटर की, तो सर्च मत करना। इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय गाइस।